इंदौर के मूसाखेड़ी स्थित सीएम राय स्कूल में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस लगाई जा रही हैं। सीएम राय स्कूल में आने वाले बच्चों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से बेहतर शिक्षा दी जा रही है, जिससे बच्चों में भी काफी उत्साह है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों के बेहतर भविष्य को संवारा जा रहा है। सरकारी स्कूलों में अमूमन यह कहा जाता है कि यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन बदलते समय में अब सीएम राय स्कूल के माध्यम से बच्चों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर और आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से टीचर भी बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। निजी स्कूलों से बेहतर और अच्छा एजुकेशन सीएम राय स्कूल में आने वाले बच्चों को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी से जुड़ने से बच्चे भी बेहतर शिक्षा पा रहे हैं। सीएम राय स्कूल एक सरकारी लेवल पे मतलब तो एक नॉमिनल फीस के माध्यम से एक बेहतरीन प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाएं दे रहा है और यहाँ पे पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत हाई है और हमारे यहाँ जो ढांचागत सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ाने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। सीएम राय पे कोई चैलेंज का मापदंड नहीं है। हमारे पास जो पहले से बच्चे पढ़ रहे थे और उसके बाद दो साल से जो हम भर्ती कर रहे हैं बच्चे, तो वो सभी बच्चे हमारे सीएम राय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी मानते हैं कि निजी स्कूल से बेहतर एजुकेशन उन्हें स्कूल में डिजिटल माध्यम से लग रही स्मार्ट क्लासेस से मिल रही है। बच्चों ने बताया कि टीचर भी उन्हें बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं और उनकी सारी क्योरीज को अच्छे से बताते हैं। बच्चों ने मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और शिक्षा अधिकारी का धन्यवाद माना कि उन्होंने सीएम राय स्कूल के माध्यम से उन्हें बेहतर एजुकेशन पाने का मौका दिया है। सीएम राय स्कूल में आने वाले बच्चे स्मार्ट क्लास के माध्यम से अपने बेहतर भविष्य के लिए अपने आप को निखारते हुए नजर आए। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। वैसे मैंने देखा है कि जैसे हमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते तो उसमें इतनी सुविधाएं नहीं देते, जैसे कि हमारे ये सरकारी स्कूल में डिजिटल स्क्रीन पे हमको सिखाया जाता है, तो उसमें प्रैक्टिकल के तौर पे हमें बताया जाता है कि कैसी क्या चीज़ें होती हैं। बट हम प्राइवेट स्कूल में जाके तो वहाँ पर इतनी सुविधाएँ नहीं होती, वहाँ पर बस बोर्ड पर लिखा देते हैं और बच्चे वही कॉपी करके वही करते हैं। पर यहाँ पर हमें टीचर अच्छे से समझाते हैं, उसके कई उदाहरण देकर हमें ये बताते हैं कि इसे ऐसे तरीके से करने के अलावा और तरीक़ों से भी किया जा सकता है। यहाँ पर जो स्कूल के बच्चों को जो निर्देश हैं, शासन के निर्देश हैं कि सभी अधिकारियों को जाना है और बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो स्कूल आए, रेगुलर रहें और लगातार पढ़ाई करें, क्योंकि शिक्षा का कोई और विकल्प नहीं होता है और शिक्षा से जो व्यक्ति अपने जो भी उसके सपने हैं उनको सिर्फ शिक्षा से ही पूरा किया जा सकता है। तो